राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम तोता। मधुपंत द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों, तुमने ये गीत पहले भी सुना होगा और सीखा भी होगा, है ना? ये गीत है मिट्ठू तोते का। मिट्ठू को तो तुम सब पहचानते ही हो। मिट्ठू यानी मिट्ठू तोता, रटने वाला रट्टू तोता। लेकिन भाई, एक बार तोते के इसी रटने के कारण बिट्टू के घर की चोरी बच गई। बिट्टू थी एक नन्ही सी, प्यारी सी, गुड़िया सी, मुनिया सी लड़की। बिट्टू के घर के बाहर एक बड़ा सा बाग था। उस बाग में बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पर ढेरों चिड़ियां रहती थीं। मैना, गौरैया, तोता, और हाँ, एक बूढ़ा उल्लू भी रहता था। मिट्ठू तोते से बिट्टू की बड़ी दोस्ती थी। दोस्ती तो बिट्टू की सभी चिड़ियों से थी, क्योंकि बिट्टू के दाना लेकर आते ही सब उसे घेर लेती। पर तोते से बातें करने में बिट्टू को बड़ा मजा आता, क्योंकि बिट्टू जो कुछ भी बोलती तोता वही दोहराता जाता। बिट्टू कहती, मिट्ठू राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। मिट्ठू इस तरह बिट्टू मिट्ठू से खूब बातें करती। रटते रटते मिट्ठू को खूब बोलना आ गया। यहाँ तक कि कोई कुछ भी बोले, सुनते ही मिट्ठू तोता बार बार वही दोहराने लगता। एक बार की बात है, बिट्टू को एक रात के लिए अपने मामा जी के घर जाना था। बिट्टू के माँ बाप जब चलने के लिए तैयार हुए, तब बिट्टू जोर से बोली, तोते राम जी और उल्लू दादा, प्यारी मैना कोयल दीदी, मैंने सबका दाना पेड़ के नीचे रख दिया है, पानी भी भर है, हम सब बस एक रात के लिए जा रहे हैं, तुम सबसे मैं कल मिलूंगी। अच्छा, नमस्ते। मिट्ठू भी बार बार दोहराने लगा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धीरे धीरे दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी दो आदमी एक पेड़ के नीचे बातें करते हुए आए।
उसी पेड़ पर मिट्ठू तोता भी बैठा था। हरे हरे पत्तों के बीच में छिपा तोता नजर ही नहीं आ रहा था। तभी मिट्ठू तोते ने उन दोनों को कुछ बोलते हुए सुना। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे। इतना कहकर वो दोनों चले गए, पर तोते ने वही रटना शुरू कर दिया। रात को मिट्टू के घर चोरी करेंगे, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे। बार बार यही रटते रटते मिट्ठू तोता उड़कर पहुंचा दूसरे पेड़ पर। वहां बैठकर भी वो यही रटने लगा, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे। उस पेड़ पर रहती थी मैना। तोते को ये रटता सुन मैना चौकन्नी हो गई। वो सोचने लगी, क्या कह रहा है तोता? बिट्टू के घर चोरी करेंगे? कौन चोरी करेंगे? क्यों चोरी करेंगे? मैना ये सोच ही रही थी तब तक तोता फुर से उड़ गया। इस बार तोता एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठा और फिर वो वही रटने लगा, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे। उस पेड़ पर थी कोयल। कोयल ने भी तोते की ये बात सुनी। तब तक तोता फिर उड़ा फुर्र, और इस बार जाकर बैठा एक बरगद के पेड़ पर। उस पेड़ पर बैठा था एक उल्लू जो बैठा बैठा ऊंग रहा था। मिट्ठू तोता पेड़ पर बैठकर फिर बार बार दोहराने लगा, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे, रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे। बार बार तोते के रटने की आवाज सुनकर ऊंघता हुआ उल्लू चौंक कर जागा। उसने अपनी गोल गोल आंखें मटकाई और ध्यान से तोते की बात सुनने लगा, और फिर यही बात रटता रटता तोता उड़ गया फुर्र से, और फिर न मालूम किस पेड़ पर जाकर बैठा कि पत्तों के बीच में बिल्कुल खो ही सा गया। बच्चों, तोता तो रट रट कर चुप हो गया, पर मैना, कोयल और उल्लू परेशान हो गए, क्योंकि उन सब ने बिट्टू के घर रात को चोर आएंगे ये बात सुनी थी, और सुनकर वो समझे भी थे। बिट्टू को सभी चाहते थे, इसलिए बिट्टू के घर की चोरी की बात से तीनों ही परेशान हुए। परेशान होकर मैना बैठी थी कि कोयल उसके पास आई और बोली, मैना बहन, को सुना तुमने? मिट्ठू क्या कह रहा था? परेशान हूँ। बिट्टू हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। तभी बूढ़ा उल्लू भी उड़ता उड़ता उधर पहुंच गया। मैना और कोयल को बातें करता देख वो उनके पास जाकर बोला, तो मैंने जो कुछ सुना
वो ठीक था, पर वो रट्टू मिट्टू तोता गया कहाँ? जरा पूछे तो सही कि उसने ये सब सुना किससे? अरे उसे ये सब क्या पता, वो तो रट ना जानता है बस। जरूर उसने किसी चोर के मुंह से ही ये सब सुना होगा और वो वही रटने लगा। पर हम तो समझ गए हैं ना कि आज रात बिट्टू के घर चोर आएंगे। अरे भाई हमें ही कुछ करना चाहिए। ऐसा करते हैं, मैं रात भर जागता रहता हूँ और अंधेरे में देख भी सकता हूँ। मैं बिट्टू के घर की छत पर बैठकर देखता रहूंगा और जैसे ही चोर आएंगे बता दूंगा। हाँ, और तुम्हारे बताते ही मैं चोर चोर चिल्लाऊंगी। मैं भी तो मिट्ठू की तरह बोल सकती हूँ। मेरी आवाज सुनकर चोर समझेंगे कि घर के भीतर से कोई बोल रहा है। अरे कोयल बहन, तुम एक काम करना। तुम ना अपनी सहेली मधुमक्खियों को बुला लाना, वो काट काट कर चोरों का बुरा हाल कर देंगी। बस फिर क्या था, उल्लू बैठ गया बिट्टू की छत पर, मैना बैठ गई कमरे के रोशनदान पर और कोयल 9 मधुमक्खियों को बुला लाई। सब अपनी अपनी जगह छुप कर बैठ गए। आधी रात के करीब दोनों चोर धीरे धीरे पैर रखते हुए जैसे ही बिट्टू के घर के भीतर घुसे, उल्लू ने आवाज दी। उल्लू की आवाज सुनते ही मैना जोर जोर से चिल्लाने लगी, की आवाज सुनकर मधुमक्खियों ने चोरों को घेर लिया, काटना शुरू कर दिया। चोर कुछ समझ ही ना पाए कि ये क्या हुआ, वो चीखते चिल्लाते भागे। मैना और जोर से चिल्लाई, चोर चोर सुनकर बगीचे में पेड़ पर बैठे तोते की नींद भी खुल गई। मैना की बात सुनकर वो भी बोल उठा, ये देख उल्लू कोयल और मैना खूब हंसे और तोता फिर भी रटता रहा। तोते के रटने से बिट्टू के घर की चोरी बच गई, पर रटने से ज्यादा चोरी बची मैना कोयल और उल्लू की समझदारी से। क्यों, ठीक है ना? प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। वंदना निगम।